हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने देखा कि आपने मेरी पिछली डिश को बहुत ज़्यादा लाइक्स दिए, शेयर किया, अब मैं आपके सामने देख रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं, सबको चटपटा खाने का मन करता है, तो आज मैं कुछ ऐसा ही चटपटा बनाने जा रही हूं जिसे हम बोलते हैं मशरूम डबल डेकर। तो हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए बटन मशरूम्स, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए बीन्स, जो मशरूम की स्टेम्स बच गई थी उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, बेल पेपर्स, कोरिएंडर, प्रोसेस्ड चीज़, नमक, लाल मिर्च, बटर और ब्रेड क्रम्स कोटिंग के। अब थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ लहसुन, उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा गैस सिम कर लीजिए और ये देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, बारीक कटे हुए मशरूम्स, बारीक कटी हुई बीन्स, थोड़े से बेल पेपर्स, फ्रेश कोरिएंडर और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। फिर गैस बंद करके इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी एनर्जी स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर और प्रोसेस्ड चीज। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्सचर में अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज़ और डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी उसको फिल करेंगे मशरूम्स में। एक मशरूम में फिल करके इसी तरह दूसरे मशरूम को उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा मेल्टेड बटर में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। आप बटर की जगह एग भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा हम लेंगे, उसमें भी फिलिंग हम फिल करेंगे। फिर दूसरा मशरूम उस पर रख के थोड़ा सा मेल्टेड बटर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। जिस तरह बस के दो डबल डेकर होते हैं उसी तरह मशरूम को भी मैंने दो डबल डेकर के साथ बनाया है। तो मैंने जो मशरूम्स फिल करके रखे हैं उसको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूंगी। तेल थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। शैलो फ्राई का मतलब ये होता है कि आप तेल उसमें कम यूज करेंगे और थोड़ा सा उसको सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आपका ये तेल गर्म है तो मैं धीरे से ये डबल डेकर मशरूम्स इसमें डालूंगी और इसे गोल्डन होने तक थोड़ा सा फ्राई करूंगी। कोशिश ये करें कि ये मशरूम्स खुलने ना पाए और इसको प्यार से आराम से हिलाएं, क्योंकि तेल हमने कम यूज किया है और शैलो फ्राई भी अच्छी तरह करना है कि ये अच्छी तरह पक जाए। आप देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, इसको इसी तरह ब्राउन कीजिए। क्योंकि इसमें मैंने प्रोसेस्ड चीज़ डाला है तो उसको भी मेल्ट होने के चांसेस हैं, पर आराम से इसे फ्राई कर लीजिए। तेल अब बंद कर लीजिए और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। लाइक करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड टू लुधियाना हाइलाइट्स फॉर मोर यमी रेसिपीज़।